हाय, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने अपने चैनल का नाम प्यूज ब्लॉग से इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी क्यों किया है, इसके पीछे अगर आप रीज़न जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी मेरे चैनल का नाम हो गया है इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। जी हाँ दोस्तों, टाइटल पढ़ के आप लोग समझ गए हैं, आज मैं मेरा फेवरेट फ्रेगनेंस हॉल बनाने जा रही हूँ। तो बहुत सारा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है सिलेक्टिव है। और डेफिनेटली आप लोग अगर बाय करोगे, ये सब खरीदोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत ही एक नॉर्मल प्रोडक्ट से, जो कि है, जी हाँ दोस्तों, जो कि है रेक्सोना का रोल ऑन। मेरे पास दो फ्रेगनेंस में है, दिस इज़ शावर फ्रेश एंड दिस इज़ एलोवेरा। एक्चुअली मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब डीओ वीओ लगाना और परफ्यूम लगाना हर टाइम अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं जा रही हूँ और मुझे मतलब ये बहुत ही हल्का सा एक मीठा सा फ्रेगनेंस आपको प्रोवाइड करता है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। रोल ऑन सब कुछ नहीं अच्छा होता, मैं पहले ट्राई करती थी निविया का पर्ल ब्यूटी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें जो बोलते हैं कि अंडरआर्म्स बहुत गोरे हो जाते हैं एंड ऑल, कुछ नहीं होता है, मतलब मेरे स्किन पे तो कुछ नहीं हुआ है। ट्राई करिए, कीजिए, आपके स्किन में हो भी सकता है। सो दैट ये दो डीओ है, ये दो रोल ऑन है जो मेरे बहुत फेवरेट है, और दोनों की फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है और बहुत कम दाम में ये सब अवेलेबल हो जाता है, काफ़ी दिन ये चलता है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट फेवरेट फ्रेगनेंस। सो मैं सेकेंड में आती हूँ। सेकेंड में है मेरा एसेंशियल ऑयल, मैंने वीडियो बनाया है इसका, मैंने वीडियो बनाया है रोज़ अरोमा मैजिक रोज़ एसेंशियल ऑयल रिव्यू, सो उसमें आप देख सकते हैं। मेरा तो एक फेवरेट है, दिस इज़ आल्सो फ्रॉम अरोमा मैजिक ब्लॉसम क्लोशर अरोमा मैजिक, दिस इज़ इन फ्लेवर ऑरेंज, दिस इज़ इन फ्लेवर ऑरेंज एंड दिस इज़ आई डोंट नो, इसका कुछ सीरियल नंबर 2020 दिया हुआ है। और ये कार्डबोर्ड का ऐसे कैप में आता है, ग्लास का बॉटल है, काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों को ट्रैवलिंग फोविया है तो उन लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए ख़रीदी थी क्योंकि मुझे ऑरेंज का स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और कभी कभी फ्रेश फील करने के लिए मुझे ये बहुत काम में आता है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं रात में शावर लेने के बाद या सुबह मैं घर में रहती हूँ, मेरा छुट्टी अगर होता है तो मैं रोल ऑन नहीं तो ये यूज़ कर लेती हूँ। सो माय सेकंड इज़ फ्रॉम आल्सो फ्रॉम ब्लॉसम क्लोचर अरोमा मैजिक, अगेन फ्रॉम अरोमा मैजिक। आई एम बिग फैन ऑफ अरोमा मैजिक एसेंशियल ऑयल, दिस इज़ रोज़ एंड मैंने इसका रिव्यू डाला है, आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये भी ग्लास का बॉटल में है और वुडन कैप में है, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दिन चल जाता है, बस 2 to 3 ड्रॉप्स और यू सेट टू गो। और मैं सेकंड दिखाने जा रही हूँ, जी हाँ दोस्तों, ये है टेम्पटेशन का। टेम्पटेशन का मुझे खाली यही वाला डीओ अच्छा लगता है। मैं फ्रेगनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, एक्चुअली मेरे नोज़ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। सो दिस इज़ कॉल्ड पैशन, उन लोगों का फ्लेवर होता है लाइक आई थिंक सीक्रेट, नो आई थिंक आई डोंट रिमेंबर दिस नेम बिकॉज मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये है पैशन और ये काफ़ी सस्ता होता है, इसका एक छोटू वाला भी पैक आता है, मैं बड़ा वाला लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सेविंग, मतलब बड़ा क्वांटिटी में भी आ जाता है और हम लोगों का डीओ एकदम बिंदास यूज़ होता है। सो मैं हर एक का तो प्राइस नहीं बता पाऊँगी क्योंकि पीछे जो जो मुझे याद होगा और पीछे लिखा हुआ होगा मैं बिल्कुल वो बता दूँगी। ये 3 ईयर्स के सेल्फ लाइफ में आता है, जी हाँ दोस्तों, इसका प्राइस है 190 और मैंने लोकल शॉप से लिया था और मुझे ये पड़ गया था आई थिंक 178 ऐसा कुछ पड़ गया था। ये काफ़ी अच्छा डीओ है, काफ़ी समय तक स्टे करता है। और एक मार्केटिस बोल के भी डीओ आता है, वो पहले हमारे घर में बहुत आता था, मैं और मेरे हस्बैंड जेन्युइनली दोनों यूज़ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह और काफ़ी डीओज है ले लिया उस लोगों ने। ओके, मेरा नेक्स्ट है अजारो वांटेड, दिस इज़ माय हस्बैंड परफ्यूम, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मेन। इसका शेल्फ लाइफ कहाँ पर है, जी हाँ दोस्तों, इसका 4 साल का सेल्फ ईयर है और इसका प्राइस है
990, ये भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगेन रोज़ इज़ माई फेवरेट। सो दिस इज़ 212 NYC, ये काफ़ी अच्छा है। ये 900 का मुझे पड़ा है, लोकल स्टोर से लिया है, 150 का है, ये एक ही साइज़ में आता है। उसका फ्रेगनेंस फ्लावरी फ्रेगनेंस है, मुझे लगता है रोज़ टाइप का है, हो भी नहीं सकता है, परफेक्टली रोज़ नहीं है, फ्लोरेसेंट टाइप का है। फिर ये टाइटन का एक डियो है जो कि बहुत ही एक बेहतरीन डील के साथ हम लोगों को मिला है, और मेरे हस्बैंड ने मतलब मौका में चौका मार दिया और मुझे ये वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट कर दिया, और एक वैलेंटाइन डे पे मुझे गिफ्ट कर दिया, हाँ वैलेंटाइन डे ही था। सो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, स्किन बाय टाइटन फाइन फ्रेंच परफ्यूम्स फॉर हार्ट, बट डेफिनेटली हम लोग दोनों ही यूज़ करते हैं। ये ऐसे बॉक्स में आता है, काफ़ी अच्छा इसका फिनिशिंग है, और इसमें कटिंग किया हुआ है, वहाँ पर छोटू सा बॉटल है जो कि काफ़ी टाइट बैठ के रहता है, और जब भी ये लगाना होता है मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। आई विल जस्ट शो यू हाउ टाइनी इज दिस, इतना छोटू सा बॉटल है। तो इसका फ्रेगनेंस थोड़ा वाइब्रेंट है, अगर आपको वाइब्रेंट फ्रेगनेंस अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको ये दो डीओ अच्छा लगेगा। सो इसका भी सेल्फ ईयर 4 साल का है, और ये हम लोगों को प्राइसिंग पड़ा था, एक सेकंड दोस्तों मुझे याद नहीं है, 1585 पर मुझे डेफिनेटली याद है, ये हम लोगों को 1350 रुपये पर मिला था। और सबसे बड़ी बात है फेब से अप्रैल हो गया, इतना सारा दिन चला गया, इतना सारा वीक्स चला गया और महीना भी चला गया, लेकिन हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। इसका एक छोटा सा मिनिएचर आता है जो कि मैंने ट्रैवलिंग में तोड़ दिया, मतलब मैं फ्रूट्स निकालने जा रही थी बैग से कि ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग गेस्ट हाउस में थे, फ्रूट्स निकाल रही थी, डेफिनेटली वो छोटू सा बॉटल था गिर के टूट गया और पूरा रूम स्मेली हो गया, बहुत अच्छा स्मेल। हस्बैंड ने बहुत डांटा था इसलिए कि तुम इतना छटपट क्यों करते हैं। दिस इज माई फाइनल परफ्यूम। सो दिस इज नार्सिसो फॉर हार्ट, इससे ज़्यादा मुझे पढ़ना नहीं आता है, और IEAU, दिस इज द परफ्यूम, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। मेरे बहुत ही दिल के करीब एक जन ने मुझे ये गिफ्ट किया था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि 5-7-8 हज़ार का भी कोई परफ्यूम मैं ज़िंदगी में खरीदूंगी, लेकिन इसका जो स्मेल है, अगर आप लोग इसका एक छोटा भी आई थिंक आता है, आई डोंट नो एक्चुअली श्योरली, तो मैं बड़ा ही लेती हूँ, और ये मेरा सेकेंड परचेज है, और सब परफ्यूम चला जाए, ये दो, आई लव इट इन डियो इन परफ्यूम। सो ये कितना क्या है मुझे याद नहीं है, क्योंकि इसका कार्डबोर्ड का पैकेजिंग आता है, और मैं डेफिनेटली मेरा स्टोरेज का स्पेस बहुत कम है, मेकअप स्टोरेज का स्पेस, तो इसलिए मैं कार्डबोर्ड का जो पैकेजिंग होता है, जिसका भी होता है, मैं निकाल के फेंक देती हूँ, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक ऑप्शन है गिफ्ट करने के लिए कोई बहुत, और इसका फिनिशिंग ये आई फॉल इन लव, बहुत देर तक रहता है। सो दिस इज़ माई फाइनल। जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा फ्रेगनेंस हॉल वीडियो, आप लोग बोलिए आप लोगों को कैसा लगा। सो डू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता है तो मत कीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय।